मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके ऑफसेट पार्टनर बनाते हैं अंबानी साहब को और 30,000 करोड़ की डील मिलती है। 18 फ्लाई हुए जहाज आने थे, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी और हिंदुस्तान में वो जहाज बनने थे, हिंदुस्तान में वो इंप्लॉयमेंट मिलनी थी, लेकिन सारे के सारे 36 फ्लाई हुए आते हैं और इतना बड़ा थप्पा लगता है आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। 10 रुपए के पेन का पक्का बिल मांगते हैं प्रधानमंत्री साहब और राफेल के बिल पे बिल बिलाते हैं। मैंने 10 बार कह दिया है कि आए थे आप 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके, ये ठोक के कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, कोई जवाब नहीं आया उनका। वैसे तो अगर जवाब होगा तो पहले दिन ही आता है, 10 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन यहां कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें मार के बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार के एक्सचेंजर का हक दिया है, सरकारी इनकम प्राइवेट कंपनियों को दी है और सरकारी कंपनियां डूबती चली गई और चंद प्राइवेट कंपनियां खड़ी होती चली गई, मुनाफे में आ गई। चौकीदार अक्सर अमीरों के घरों के बाहर खड़े पाए जाते हैं और वहां गरीबों का आना वर्जित होता है। 99% लोगों की अनदेखी करके चंद लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह निभाई है और किस तरह उन्हें मुनाफा दिया है, यही मेरी आज बातचीत का मुद्दा है। न खाऊंगा न खिलाऊंगा, वो एक मुखौटा था जो आज पूरी तरह से उतर गया है। और शुरू मैं करूंगा, प्रधानमंत्री ने करीब करीब 55 कंट्रीज में ट्रिप्स किए हैं और उन 55 कंट्रीज में अंबानी और अडानी साहब उनके साथ जाके 18 बड़े अग्रीमेंट करके आए हैं और ये सारे अग्रीमेंट प्रेफरेंशियली सरकारी कंपनियों के होने चाहिए। कंपैरिजन तुलना सारी आपके सामने मैं रख दूंगा। सबसे पहले रशियन विजिट 2015 में, अंबानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं 7,500 करोड़ में मरी हुई बैड डेट वाली, और रिलायंस डिफेंस उसका नाम होता है और वो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट एक महीने बाद 23 दिसंबर 2015 को रशिया में अल्मैज एंटे द मेकर ऑफ एन एयर सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम, ये डील है $6 बिलियन की। था 6 बिलियन US डॉलर्स की डील पहले ही महीने रिलायंस डिफेंस को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, उनकी फोटो है, पहले ही दिन मिलती है। उसके